गाजीपुर के वीर जवान अश्विनी कुमार यादव के शहादत पर पूरा जिला शोक मना रहा है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के कायराना हमले में थाना नोनहरा के चकदाउद गांव के सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव शहीद हो गए। गाजीपुर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर शहीद को श्रद्धांजलि दी और परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की है। मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा है कि हंदवाड़ा में देश की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले शहीदों की धरती गाजीपुर निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान अश्विनी कुमार यादव को विनम्र श्रद्धांजलि व परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे लिखा है कि अश्विनी का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होते ही शहीद के परिवारजनों से मुलाकात करूंगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले के गाजियाबाद में सोमवार की शाम पेट्रोलिंग के दौरान घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला बोल दिया, जिसमें अश्विनी कुमार यादव समेत 3 जवान शहीद हो गए। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।